Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss experiment of G.P. Thomson. So ये experiment electron diffraction के ऊपर है और ये भी बताता है कि electron dual nature रखता है, जैसा कि हमने particle nature देख रखा है electron का, और उसी तरीके से wave nature भी होता है. तो G.P. Thomson के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. ये जे.जे. थॉमसन के ही पुत्र थे. जे.जे. थॉमसन ने, आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, तब से ये सारा जो क्वांटम मैकेनिक्स का था वो चर्चाएं शुरू हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो सारी प्रॉपर्टी थी वो क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा हो नहीं पा रही थी, एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था. तो हमें एक नई मैकेनिक्स को ईजाद करना पड़ा जो क्वांटम मैकेनिक्स के रूप में आई, और प्लैंक ने इसकी शुरुआत की और धीरे धीरे ये सारा डेवलप हुआ. तो जो पार्टिकल नेचर था वो जे.जे. थॉमसन ने बताया था, और उसका जो वेव नेचर था उसके एग्जिस्टेंस के लिए जो एक्सपेरिमेंट दिया वो जी.पी. थॉमसन ने दिया, जॉर्ज पैगेट थॉमसन ने, करीब 1928 के आसपास. तो जो दे ब्रॉगली का एक कंसेप्ट था कि जो हर मूविंग बॉडीज़ होती हैं उनके साथ एक वेव एसोसिएट होती है जिसको हम मैटर वेव कहते हैं. तो दे ब्रॉगली ने कहा था कि हर एक मटेरियल बॉडी एक वेव रखती है अगर वो मोशन में होती है. हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन भी एक तरह से मैटर है, तो अगर वो मोशन में आता है तो क्या वो भी एक वेव रखता है? तो उन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे होगी. तो हम पाएंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्ट हो रहा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसके पहले हमने बात की थी डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो पहला एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन को शो करने वाला, या इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को. उसी तरीके से ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को शो करता है. तो इसमें जो जी.पी. थॉमसन ने यूज किया था एक्सपेरिमेंटल फिगर कुछ इस तरह का है. अरेंजमेंट में था एक यहाँ पे फिलामेंट यूज हुआ था, और ये एक तरह से कैथोड का भी काम करेगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. इसको कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन गन भी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गन की तरह भी वो काम कर रहा है. इसको हम बोलते हैं एनोड या फिर फैराडे सिलेंडर भी बोलते हैं. तो इसको हम सिंपली एनोड बोलते हैं, या इसको हम फैराडिक सिलेंडर भी बोलते हैं. इस तरह का. और इसको फिर हम एक हाई टेंशन बैटरी से सप्लाई देते हैं, करीब 10,000 से लेके 50,000 वोल्ट. तो काफ़ी हाई वोल्टेज हम जब देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, और उस हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को जब हम यहाँ से प्रोड्यूस कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करता है, और यहाँ पे एक फॉइल रखते हैं यहाँ पे हम, और उस फॉइल पे जब ये हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से जा रहा है, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जब हम इस मेटल से पास कराते हैं या इस पर वो फॉल करता है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्रैक्शन में नज़र आता है, कि कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी सेंट्रल. तो जो सेंट्रल पार्ट में जाते हैं तो होता ये है कि अगर कोई भी हम मेटल यहाँ पे यूज करते हैं, तो अगर हम मेटल यूज कर रहे हैं तो वो एक ब्रैक्स लॉ का पालन करता है डिफ्रैक्शन में. तो हम जानते हैं कि उसमें जो मेटल्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, उनमें काफ़ी प्लेन होती हैं, एटॉमिक प्लेन्स, तो वो किसी भी तरीके से ओरिएंटेड हो सकती हैं, रैंडम ओरिएंटेशन होता है उनका. तो जब डिफ्रैक्शन होता है तो कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स अनडेविएटेड यहाँ पे आ जाता है, यानी बिना डिफ्रैक्शन के ही सीधे निकल जाता है. तो जो सेंट्रल पार्ट है इसका, जो यहाँ पे पड़ता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल पार्ट. तो सेंट्रल पार्ट जो होता है, और ये पार्ट यहाँ पर है फोटोग्राफिक प्लेट जिस पे हम इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन मेज़र करेंगे. तो जो इलेक्ट्रॉन्स डेविएट नहीं होते, जो अनडेविएटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सेंट्रल स्पॉट बनाते हैं. तो ज़्यादातर तो अनडेविएटेड ही होते हैं, लेकिन जब वो ब्रैग्स लॉ का पालन करते हैं, या ब्रैग्स लॉ जहाँ जहाँ सेटिस्फाई होता है, ब्रैग्स लॉ हमारा था 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा. तो जहाँ जहाँ ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब जिस भी डी के लिए या थीटा या लैम्डा के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में होता है. तो हमें एक
स्पॉट मिलता है, हमें एक स्पॉट मिलता है कुछ इस तरीके का, बीच वाला पार्ट, सेंट्रल वाला, फिर उसके बाद ब्लैक वाला, फिर कुछ दूर पे स्पॉट मिलते हैं इस तरीके से। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। तो कंसेंट्रिक टाइप का इस तरीके से, तो एक तरह से वाइट और ब्लैक टाइप का, बीच में ब्लैक, फिर वाइट, फिर वाइट, फिर ब्लैक, इस तरीके से हमें पट्टी मिलती है। और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट, जहाँ के अनडेविएटेड इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे मेज़र होते हैं। और यहाँ पे हमने वैक्यूम के लिए लगा रखा है कि हम यहाँ पे फ्री स्पेस बनाए रखें, ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कुछ कंटामिनेशन हो इसके अंदर, जिसकी वजह से उस पार्टिकल की वजह से डिफ्रैक्शन आ रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है? क्योंकि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के लिए, जो एक्सपेरिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के लिए है। और डिफ्रैक्शन की बात क्यों कर रहे हैं? डिफ्रैक्शन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें शो करना है इलेक्ट्रॉन के वेव बिहेवियर को, इलेक्ट्रॉन के वेव बिहेवियर को। तो ज़रूरी है कि जो अगर वो वेव है तो वो वेव की कोई भी प्रॉपर्टी को शो करे। तो यहाँ पे अगर वो डिफ्रैक्शन शो कर देता है तो हम ये मान लेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक वेव का बिहेवियर रखता है, और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है ही, तो पार्टिकल और वेव दो तरह के नेचर हो जाएंगे, फिर हम इसे ड्यूअल नेचर बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सबसे में आई, हम यहाँ वैक्यूम इस पोर्शन को भी करते हैं और इस वाले पोर्शन को बोलते हैं कैमरा पार्ट, कैमरा पार्ट। तो यहाँ भी हम वैक्यूम करते हैं कि ये पूरा का स्पेस जो है वो फ्री स्पेस हो, इसमें और कोई पार्टिकल्स ना हो, केवल इलेक्ट्रॉन ही इसके अंदर जाए जो डिफ्रैक्ट हो, अदर कोई ना हो, किसी की अदर किसी चीज़ की इफेक्ट की वजह से ना आए ये। और एक चीज़ और यहाँ पे हम करते हैं, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके बीच में कभी कभी हम मैग्नेट यूज़ कर लेते हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि ये एक्सरे टाइप का कुछ डिफ्रैक्शन हो रहा है, जब यहाँ से कोई रे निकल रही है और वो मेटल से टकरा है और एक्सरे डिफ्रैक्शन तो नहीं हो रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से डिफ्रैक्शन नहीं है बल्कि एक्सरे की वजह से है। तो हम क्या करते हैं, बीच में मैग्नेट यूज़ कर लेते हैं, इसके बीच में एक मैग्नेट यूज़ कर लेंगे, मैग्नेट। तो हम क्या पाते हैं कि जो सारी शिफ्ट, जो सारा डिफ्रैक्शन हमें मिल रहा था वो एकाएक शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि एक्सरे की वजह से ये नहीं था, ये सारा कुछ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सरे जो होती है वो मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, तो उनकी वजह से कोई डिफ्रैक्शन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से डिफ्रैक्शन होता है। तो ये था सारा इसका वर्किंग सेक्शन, कुछ नहीं था, इसका कंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे पहले, सारी चीज़ें, हाई टेंशन बैटरी, वैक्यूम पंप लगेगा, फिलामेंट, और फिर यहाँ पे बैटरी, और इसका रेंज हम देते हैं करीब 10,000 से लेके 50,000 तक। और जो हमें स्पॉट मिलता है वो कुछ इस तरीके का मिलता है, और ये बिल्कुल मैच करता है जो हमने पढ़ रखा है पाउडर, पाउडर मेथड या पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड, पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड। पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड या तो फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में होगा थोड़ा सा, या तो फिर हम फिजिक्स में इसको पढ़ते हैं फाइनल ईयर्स में जब आते हैं तो वहाँ एक्सरे का डिफ्रैक्शन आता है। तो एक्सरेज के डिफ्रैक्शन में, एक्सरे डिफ्रैक्शन, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन में हम तीन डिफ्रैक्शंस को पढ़ते हैं, जैसे इसमें पहला आता है लवे का डिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें फाइनल ईयर में डिस्कस होंगी। सेकेंड आता है आपका रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, और थर्ड है पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड, डिफ्रैक्शन मेथड। तो वहाँ पे हम क्या पाएंगे कि जो जैसा स्पॉट यहाँ पे हमें सारा दिख रहा है, जैसा पैटर्न नज़र आ रहा है, सेम पैटर्न यहाँ पे हमें मिलता है वहाँ पे, जब हम डिवाइस एरर कैमरा से, डिवाइस
सिरर कैमरा को यूज करते हैं और यहाँ पे वहाँ पे देखते हैं कि एक्सरे किस तरीके से जो पाउडर होता है, जो क्रिस्टल्स के हम पाउडर के रूप में लेते हैं एक ट्यूब के अंदर, तो वहाँ पे जब हम एक्सरे को इंसिडेंट कराते हैं तो जो सारा डिफ्रैक्शन का पैटर्न आता है वो बिल्कुल इसी टाइप से आता है, कंसेंट्रिक सेंट्रल स्पॉट मिलता है एंड देन अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क रिंग जैसा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। तो जो ये पूरी डिस्क्रिप्शन था इससे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्रैक्शन नेचर को शो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन अगर डिफ्रैक्शन नेचर को शो कर रहा है तो हमारा जो डी ब्रॉग्ली का हाइपोथेसिस वो प्रूफ हो गया कि जो मैटर है यानी इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर रखता है और डुअलिटी भी एक तरह से क्लियर होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट 1928 में हुआ और जिसके लिए इनको बाद में फिर नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो ये एक्सपेरिमेंट और इसके पहले वाला डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में से कोई ना कोई एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर लिखने को आता है। पहले डी ब्रॉग्ली का हाइपोथेसिस लिखेंगे, फिर इसके जो कन्फर्मेशन के लिए या तो वो कोई एक्सपेरिमेंट का नाम देगा या फिर कहेगा किसी एक का सुबह या किसी एक का हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इसको बड़े ध्यान से दोनों एक्सपेरिमेंट को देखिए। इसका जो रिटेन वाला पार्ट है वो आपको PDF में मिल जाएगा, इसको आपको समझने की केवल ज़रूरत है, बाकी रिटेन में कुछ नहीं है, थ्योरी में कुछ खास नहीं है, केवल कंस्ट्रक्शन है और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है इसका वर्किंग। तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, इसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। तो चलिए देखते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो थोड़ा सा इसका हम ओवरव्यू देंगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में बताएंगे। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया था कि जो जितने भी क्वांटम मैकेनिक्स के जो घटनाएं होती हैं उनमें सारी चीज़ें बड़ा जल्दी जल्दी में होती हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर हम पोजिशन और वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल्स का एग्जैक्ट टाइम पर नहीं बता पाते। अगर हम किसी टाइम पे उसका पोजीशन बता पाएंगे तो उसकी वेलोसिटी तब तक चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वेलोसिटी काफ़ी तेज़ होती है, लगभग c के आसपास या 3×10⁻⁷ या 6 के रेंज में होती है, तो 7 और 6 या 5 इस तरीके का। तो ये काफ़ी तेज़ हो गया मीटर पर सेकेंड, तो हम कह सकते हैं कि इनकी स्पीड काफ़ी तेज़ है और आसान नहीं है कि हम इनको इंस्टेंटली मेज़र कर पाएँ किसी पर्टिकुलर टाइम पे, हम ये बता पाएँ कि अगर इस पूरे स्पेस में कौन सा पार्टिकल कहाँ पे है। एक तो वो पार्टिकल नज़र नहीं आ रहा है, उसके बाद हम एग्जैक्टली ये बताएं कि वो पार्टिकल यहाँ पे है। तो जब तक हम बता पाते हैं कि उसकी पोजीशन ये है, जैसे हम किसी का पोजीशन लोकेट करने के लिए क्या करते हैं, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट, जैसे अगर ये 2D में हम देख रहे हैं अगर, तो हम इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं एक्स एंड वाई किसी पर्टिकुलर टाइम पे। लेकिन अगर ये बहुत चीज़ें घटना बहुत तेज़ी से हो रही हैं तो जब ही हम मेज़र करेंगे तब तक पार्टिकल यहाँ से फिर कहीं और होगा। तो उस तरीके से हम क्वांटम मैकेनिकली या जो क्वांटम के फिनोमिनाज हैं, जो क्वांटम पार्टिकल है, एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनकी वेलोसिटी वो एक फ्री पार्टिकल्स की तरह होते हैं, इतनी तेज़ी से सारी चीज़ें होती हैं कि एग्जैक्टली हम मेज़र नहीं कर सकते उनके पोजीशन और मोमेंटम को। या सिंपली मोमेंटम इसलिए आता है क्योंकि मोमेंटम में वेलोसिटी टर्म आता है, तो हम पोजीशन और वेलोसिटी मेन यही टर्म है दोनों, क्योंकि इस वी की वजह से ही मोमेंटम आ जाता है। तो पोजीशन और वेलोसिटी को हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, और जिसकी वजह से पोजीशन और मोमेंटम को एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो ये सारी चीज़ें हाइजेनबर्ग ने डिस्कस किया था। उसके बाद उन्होंने एक अनसर्टेनिटी रिलेशन बताया इसके लिए, जो कि होता है डेल्टा एक्स और डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू एच बार कह लें, या फिर सिंपली एच अपॉन 2π या कहीं कहीं 4π भी मिलता है। ये सारी चीज़ें ठीक है क्योंकि एच के कंपेरिजन में ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं, तो सारा ही ठीक है।
कभी हम यहाँ पे 2π लिख लेते हैं, अरे h बाई 2, तो ये सारा कुछ ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम फिर नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसको देखते रहिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।